सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J6 और J6 प्लस को एंड्रॉइड पाई या फिर एंड्रॉइड के वन UI पे अपडेट करने के बाद इस फोन में बैटरी ड्रेन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ। देखिए, एंड्रॉइड पाई के आने के बाद बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पे, यहाँ तक कि गूगल ने भी कहा था कि एंड्रॉइड पाई जो जिस भी फ़ोन पे जाएगा उस पे बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। एंड्रॉइड पाई का अपडेट आने के बाद बैटरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बैटरी एक मतलब अपने आप यहाँ पे ड्रेन होती चली जा रही है। तो आज मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉइड पाई की कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, तब जाकर के आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो पाएगी। अदरवाइज आपकी बैटरी जो है वो ड्रेन यहाँ पे होती ही रहेगी। तो आपको कुछ यहाँ पे आज मैं सेटिंग, पांच ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J6 और J6 प्लस के लिए, जिसको कि अगर आप कर देते हो तो आपकी जो बैटरी बैकअप वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें बढ़ते हैं पहले सेटिंग की तरफ। तो पहले सेटिंग को करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिवाइस केयर नाम का एक ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, डिवाइस केयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो ऑप्टिमाइज नाउ के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी, स्टोरेज और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपको क्लिक करना है बैटरी पे। बैटरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सारे जो एप्लीकेशन वगैरह हैं वहाँ पे खुल के आ जाएंगी। आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन बना होगा जो कि यहाँ पे बैटरी की ही सेटिंग है एंड्रॉइड पाई की। तो आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो ऑप्शन नज़र आने के बाद आपको यहीं पे जो है सेटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो एडाप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है, इसको ऑन कर देना है। इससे आपकी जो बैटरी बैकअप वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको सीधे नीचे चले जाना है। नीचे चलने आने के बाद आप उसके ठीक नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, इसके बाद इसको भी आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इससे होगा क्या कि आप जिन भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हैं वो बैटरी ड्रेन नहीं करेंगे। इसके बाद आपको तीसरे चौथे नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आर टू डिसेबल अनयूज्ड ऐप, इसको भी आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। इससे भी आपकी जो बैटरी बैकअप वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरी सेटिंग की तरफ। और जो हमारी दूसरी सेटिंग है वो यहाँ पे आपको उस डिवाइस क्लियर में ही के फंक्शन में ही आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको सिंपली बैक आ जाना है डिवाइस केयर में, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे 3 डॉट पे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद ऑटो ऑप्टिमाइजेशन जो है उसे ऑन कर देना है। इससे भी आपकी जो बैटरी बैकअप वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो स्टोरेज होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर यहाँ पे होता रहेगा। अब इसके बाद अगर मैं लास्ट सेटिंग की बात करता हूँ यहाँ पे, जो कि आखिरी सेटिंग है, और इससे आपकी जो फ़ोन की जो बैटरी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो फ़ोन की बैटरी है उसको एक बार एकदम 0% तक डिस्चार्ज करना है, मतलब पूरा 0% तक बिना चार्ज किए जितना बैटरी चार्ज है उसको 0% तक पूरा ले जाइए। जब तक आपका फ़ोन स्विच ऑफ ना हो तब तक उसे चार्ज मत करिए। स्विच ऑफ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको फिर से अपने फोन को एक बार 100% तक बिना उसको निकाले सीधे 0 से 100% तक ले जाना है, चार्ज करना है। इसको क्या करना है, आपको दो बार एक बार फिर से 0 से फिर 100% करना है। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो बैटरी होगी उसकी उसका जो बैकअप होगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो जाएगा पहले से। आप नोटिस खुद ही कर सकते हैं इसको अपने डिवाइस पे यहाँ पे करके। तो यही वो सेटिंग थी जिससे आप अपने फ़ोन की जो बैटरी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करता हूँ छोटी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।